पंचायती राज चुनाव 2020 द्वितीय चरण में विशेषकर हमारी विधानसभा में और डूंगरपुर विधानसभा में जो घटनाएं हुई, पोलिंग बूथ वालों पे रात को जो रिजल्ट आने के बाद पथराव हुआ, आगजनी हुई, ये एक मतलब दुखद घटना है। कहीं न कहीं एक उस चुनाव प्रक्रिया में मान सकते हैं कुछ पंचायत के जो लोगों के द्वारा, उम्मीदवारों के द्वारा, तो इसमें जो अभी वर्तमान में कार्रवाई हो रही है, वर्तमान में जो पुलिस द्वारा कार्रवाई की जा रही है, उसमें जो निर्दोष लोग हैं और जो घटना करने वाले थे तो उसी रात को वो करके भाग गए होंगे, पर जो निर्दोष है, जो पढ़े लिखे लड़के हैं, जो बुजुर्ग हैं, उन लोगों को पकड़ा जा रहा है। तो हमारी सरकार से, प्रशासन से ये निवेदन है कि निर्दोष लोगों को नहीं पकड़ा जाए और जो वास्तविक घटना करने वाले लोग हैं उनको पकड़ा जाए, क्योंकि जैसे कि पिंडा का जो मामला है उसमें 120 लोगों का नाम डाल दिया गया है। एक मामूली पथराव हुआ है, पथराव स्वाभाविक है कि 15-20 लोगों के द्वारा किया होगा, बाकी इस 120 लोगों को फांदा जा रहा है। मंडला में 200-150 लोगों को फांदा जा रहा है। तो आज ये वर्तमान स्थिति वहां ये बनी हुई है कि घरों में चूल्हे नहीं जल रहे, पशु पक्षी मतलब जो उनके पशु है वो भूखे मर रहे हैं और घरों में कोई लोग नहीं रह रहा, इतना दहशत फैला रखा है प्रशासन ने। तो प्रशासन से अपील है कि जो वास्तविक लोग करने वाले हैं उनको पकड़ा जाए, निर्दोषों को नहीं फांदा जाए, इस संबंध में आज का ज्ञापन था। और अगर सरकार से भी अपील है कि ये घटना अगर वास्तविक जो निर्दोष है उनको नहीं पकड़ा गया और जो दोषी नहीं है उनको पकड़ा गया, तो हम बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे इस संबंध में।